एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं वेक्टर कैलकुलस पे ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर विच द वेक्टर वी इज ई रोटेशनल तो छोटा कॉन्सेप्ट है कि इफ अ वेक्टर ए इज ई रोटेशनल दैट मींस कर्ल ऑफ दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू जीरो दिस दैट वेक्टर ए इज ई रोटेशनल ठीक है अब कर्ल कैसे निकालते हैं कर्ल इज सिंपली डेल क्रॉस दिस ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि डेल क्रॉस वी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम करते हैं आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड ठीक है और नीचे ये आ जाएगा थोड़ा स्पेस ज्यादा रखना चाहिए था लेकिन हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड देन वी हैव बी एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड एंड देन वी फाइनली थ्री एक्स प्लस सी वाई प्लस जेड ठीक है यहां प्लस माइनस प्लस आएगा जैसे हम डिटर्मिनेट नॉर्मल खोलते हैं वैसे तो खोलेंगे ही तो आई कैप के, के साथ दिस दैट मीनस डेल बाय डेल वाई ऑफ थ्री एक्स प्लस सी वाई प्लस जेड माइनस अब आप ये तो दिमाग में भी कर सकते हैं लेकिन एक बार लिख के देख लेते हैं डेल बाय डेल जेड ऑफ दिस दैट मींस बी एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड अच्छा माइनस जे के साथ क्या आएगा माइनस जे के साथ आएगा ये और ये ब्लॉक तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ थ्री एक्स प्लस सी वाई प्लस जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ दिस सो डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड और वही काम के के साथ होगा तो प्लस के कैप ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ बी एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड बस अब ओपन कर देते हैं तो आई कैप के साथ पार्शियल डेरेवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई किस का इसका एक्स तो और जेड को तो भूल जाना होगा माइनस में पार्शियल डेरेवेटिव इस चीज का तो एक्स और वाई को तो भूल जाना है माइनस जेड का जेड के रिस्पेक्ट में, तो में, तो तो में क्या होगा माइनस वन होगा ठीक है तो ये माइनस और यहां से माइनस वन तो यहां प्लस वन आ जाएगा माइनस ऑफ जे कैप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इस चीज का तो वाई और जेड को भूल जाना है थ्री एक्स का थ्री माइनस जेड के रिस्पेक्ट में तो एक्स और वाई को भूल जाना है ए जेड का ए प्लस के कैप के साथ एक्स के रिस्पेक्ट में किसका इसका तो थ्री को हटाओ जेड को हटाओ बी का बी माइनस y के रिस्पेक्ट में तो x को हटा दो z वाले को हटा दो y का वन ठीक है ये क्या आया है ये आया है डेल क्रॉस uh, e v वेक्टर नाउ सिंस सिंस दिस वेक्टर इज ई रोटेशनल सिंस v वेक्टर इज ई रोटेशनल सो डेल क्रॉस वी को तो होना पड़ेगा जीरो इसका मतलब इस चीज को जीरो होना पड़ेगा वो कब होगा जब सी इक्वल्स टू माइनस वन हो जाए ए का वैल्यू थ्री हो जाए और बी का वैल्यू हो जाए वन तभी तो ये चीज हो जाएगा जीरो तो आई कैप के साथ जीरो चीज हो जाएगा जीरो साथ जीरो तो ये पूरा चीज जीरो हो जाएगा। तो ए, बी, सी और का वैल्यू पूछा था जिसके लिए ये वेक्टर इरोटेशनल है तो बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट बस इतना ही था कि कोई वेक्टर अगर बोल रहा है ई रोटेशनल तो उसका कर्ल इक्वल्स टू जीरो कर देना है बाकी डिटर्मिनेंट तो खोलना आपको बचपन से आता ही है बहुत बहुत धन्यवाद आपको